अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोश्त के पकोड़े। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। जितना ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट और जूसी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, मेरे पास 1 kg गोश्त है, ये बीफ का गोश्त है। इसे मैंने इस तरह से चपटा चपटा जो है, यानी कि थिन स्लाइस में जो है, मैंने इसे कट कर लिया है। अगर बकरीद का गोश्त नहीं है ना, तो आप जो है इसे यूं ही डायरेक्ट जो है कूट के भी जो है मसाला लगा सकते हैं। लेकिन बकरीद का गोश्त है तो हम इसे जो है थोड़ा गला लेंगे, क्योंकि वो जो है बहुत लेट गलता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुकर में। कुकर में शामिल करने के बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मेरे पास चाट मसाला है, इससे जो है गोश्त अच्छा सा टेस्टी बनेगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी इतना ऐड कीजिएगा जितने से गोश्त अच्छे से गल जाए। अगर एक्स्ट्रा पानी भी ऐड करते हैं ना, तो उस पर रह गया ना, तो हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे, उसका भी हम इस्तेमाल ज़रूर से करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, यानी कि काला नमक। ये ऐड आप ज़रूर से कीजिएगा, इससे जो है ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद इसकी लिड बंद करके जो है मैं इसे गला लूंगी। जितना आपका कुकर का हिसाब है, उस हिसाब से जो है आप गला लीजिएगा। 100% तक जो है हम गोश्त को गला लेंगे। देखिए, इसमें देखिए आपको स्टॉक भी नज़र आ रहा है, लेकिन हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, गोश्त भी देखिए अच्छी तरह से गल गया है। गोश्त जो है गलना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी इसमें कसर रह जाता है ना, फिर भी जब हम इसे फ्राई करते हैं ना, तो उतना जल्दी गोश्त नहीं गलता है। इसीलिए जो है हम इसे 100% तक जो है गोश्त को गला लेंगे। अब मैं इस गोश्त को अलग कर लूँगी और इस यखनी को, यानी कि इस स्टॉक को जो है मैं अलग निकाल लूँगी। इसे जो है हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो है बहुत गर्म है, इसे जो है मैं थोड़ी देर जो है ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसे हम थोड़ा सा और मसाला ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपको याद होगा, मैंने जब गोश्त को गलाया था, लाल मिर्च जो है मैंने नहीं ऐड किया था। पहले से हम ऐड कर देते हैं ना, तो इसका कलर जो है बहुत डार्क हो जाता है, ब्लैक टाइप हो जाता है। साथ ही साथ ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस भी जो है मैं लास्ट में ही ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरह से जो है मैं इसे मसाला कोट कर लूँगी। इस तरह से आप लास्ट में करने से जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। बट ये जो है अभी भी गर्म ही है, इसे जो है मैं अब ठंडा होने के लिए रख दूंगी। मसाला भी जो है अच्छे से जो है जब्स कर लेगा। और ये जो यखनी है, ये जो स्टॉक है, ये भी थोड़ा सा गर्म, इसे भी ठंडा कर लूंगी। देखिए, 10 मिनट बाद देखिए स्टॉक जो है अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। ये 3 हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 1 cup हरा धनिया, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही साथ ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा नमक। नमक जो है देखकर ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने गोश्त में भी नमक ऐड किया था, तो इस वजह से स्टॉक में भी नमक है। और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon। 2 tablespoon जो है टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो चिकन मसाला भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं, या नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लोर। 3/4 cup यानी कि 1/4 cup चावल का आटा ले रही हूँ, और 1.5 cup जो है बेसन ले रही हूँ। जितना चावल का आटा लेंगे, उसका डबल क्वांटिटी जो है हम बेसन लेंगे। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँ। देखिए, फिर भी देखिए ये इतना थिक है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 अंडा। अंडा ऐड करने से जो है टेस्ट भी अच्छा आएगा। अच्छे से जो है हम जब इसे फ्राई करेंगे, तो अच्छे से फूलेगा भी, और जो है बहुत क्रिस्पी भी बनेगा। ये एक बाइंडिंग का काम करेगा। इसे भी जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब आप गोश्त को गला रहे हैं, जब आपने देखा कि उसमें यखनी नहीं है, तो आप जो है सिर्फ पानी में भी जो है इस बैटर को बना सकते हैं। अंडा तो ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। देखिए, फिर भी ये थिक ही है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 cup पानी। पानी जो है ज़रूरत के हिसाब से जो है हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, एक साथ ज़्यादा भी नहीं ऐड करना। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँ। देखिए, इतनी कंसिस्टेंसी जो है सही है, इतना जो है हमें परफेक्ट है। ना ये बहुत थिक है और ना ही ये बहुत पतला है। इसे जो है मैं 1/2 घंटे के लिए इसे रेस्ट में रख दूंगी।
आधे घंटे बाद देखिए यानी कि 30 मिनट बाद देखिए बैटर हमारा परफेक्टली डन है। इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं, इतना ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए था। जब हम फ्राई करते हैं उसी टाइम पर अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक पिंच जो है सोडा ऐड कर रही हूँ, बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है जो हम इडली डोसा इससे ऐड करने से क्या हो, अच्छा सा ये करारापन, अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा। अब गोश्त भी देखिए हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से इतना से डिप करके इसे फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन में जो है तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। एक गोश्त के पीसेस को लेके इस बैटर में डिप करके जो है हम फ्राई कर लेंगे। जितने पीसेस एक बैच में आएगा उतने पीसेस जो है हम फ्राई कर लेंगे। बट आप एक बात का ज़रूर से ख्याल रखिएगा, जब आप इस बैटर में इस गोश्त को डिप करते हैं ना तो गोश्त जो है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म रहेगा गोश्त उसी टाइम पर आप फ्राई कर रहे हैं ना तो बैटर जो है उसमें अच्छे से फिक्स नहीं होगा, मसाला जो है अच्छे से कोट नहीं होगा। इसे जो है कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही जो है आप फ्राई कीजिएगा। इस तरह से जितने से पीसेस इसमें आए हैं उतना मैं इसमें ऐड कर दूँगी और जो बच जाएगा उसे मैं स्टोर कर लूँगी। जब मुझे चाहिए, जब मुझे ज़रूरत हो उस टाइम पर जो है मैं इसे फ्राई करके बच्चों को दे सकती। इस तरह से आप भी करके रख लीजिए। उलट पलट करते हुए इसे मैं अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक जो है फ्राई कर लूँगी। ये जो है बहुत जल्द फ्राई हो जाता है, विद इन 5 मिनट में जो है हमारा पकौड़ा बनके तैयार हो जाएगा क्योंकि गोश्त जो है ऑलमोस्ट गला हुआ है। तो सिर्फ हमें ऊपर की कोटिंग जो हमने डिप किया है उसे हमें क्रिस्पी करना है। देखिए 5 मिनट्स में जो है हमारा पकौड़े बनके तैयार हैं। गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से फूला है और कितना क्रिस्पी भी लग रहा है। हमने जो इसमें अंडा ऐड किया था ना ये उसका ही रिज़ल्ट है, बहुत ही ऑसम रिज़ल्ट है। आप भी जो है जब कभी भी इस तरह से कबाब या पकोड़े फ्राई करते हैं ना तो गोश्त के पकोड़े या गोश्त के कप जो भी फ्राई करते हैं उसमें जो है अंडा ज़रूर से ऐड कीजिएगा, रिज़ल्ट जो है बहुत ही ऑसम है। इस तरह से सारे पकोड़े जो है मैं फ्राई करके निकाल लूँगी और जब बच जाएगा उसे मैं स्टोर कर लूँगी। पकोड़े बनके तैयार हैं, तो चलिए गर्मा गर्म हम इसे सर्व करते हैं। मैंने जो है इसे चावल के सेवियों के साथ सर्व किया है। इसके साथ जो है बहुत परफेक्ट लगता है खाने में क्योंकि पकोड़ा जो है बहुत ऑयली होता है। ये जो सेवियाँ बनते हैं ना ये भी मेरा होममेड है, इसके साथ जो है बहुत मज़ेदार लगता है खाने में। अब दीजिएगा मुझे इजाज़त, टिल देन अल्लाह ने के बाद।